नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो यूपी उन्नतर असिस्टेंट टीचर यानी कि सुपर टेट से जो भी खबर निकल के आ रही है 14 फरवरी की, ठीक है, वो आपको मैं आज के न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, 29,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने पक्ष रखने के लिए फिर मांगा समय। ठीक है, फिर से समय मांगा है फ्रेंड्स। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ आपकी वही रहेगी, ठीक है, जैसा कि मुझे लग रहा है न्यूज़ के अनुसार मैंने पढ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो सुनवाई है वो 18 फरवरी को स्थगित कर दी गई, ठीक है, अब सुनवाई 18 फरवरी को होगी। ठीक है, लखनऊ प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 29 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा के बाद कट ऑफ मार्क्स तय किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर याचिकाओं के वकीलों की बहस बुधवार को पूरी हो गई। ठीक है, बुधवार को बहस पूरी हो गई। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने पक्ष रखने के लिए अदालत से फिर समय दिए जाने की आग्रह किया। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने इस मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 18 फरवरी को नियत कर दी। ठीक है, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा गत 6 जनवरी को हुई थी। 7 जनवरी को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 65% व आरक्षित वर्ग के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 65% आरक्षित वर्ग के लिए, लेकिन 60% क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए थे आरक्षित वर्ग के लिए, ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए 65%। फिर आगे कहा गया है, याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसके पहले हुई शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 45% व आरक्षित वर्ग के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क तय किए गए थे। उनका कहना था कि सरकार का यह शासनादेश शिक्षा मित्रों के मामले में विभेदकारी है। याचिकाओं के वकील अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए 18 फरवरी को पक्षकारों को अंतिम रूप में बहस पूरी करने को कहा। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह भी पेश हुए। तो फ्रेंड्स, आशा यही की जा रही है कि जहाँ तक है 40 से 45 कट ऑफ रहेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 40 से 45 कट ऑफ परसेंट का अगर नहीं रखनी थी तो फ्रेंड्स कट ऑफ इतनी ज़्यादा बहस नहीं चलती। 60 से 65% थी तो इतनी ज़्यादा बहस होनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन कट ऑफ कम होगी तभी इतने दिन बहस चली है। तो अब भी फ्रेंड्स कट ऑफ कम ना हो तो बहुत गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इतने दिन आप बहस को हो गए, आपको कम से 28 जनवरी से कोर्ट में बहस चल रही है, ठीक है, और आज फ्रेंड्स आपकी 14 जनवरी, आज से 15 जनवरी हो गई, 15 फरवरी, ठीक है, 14 जनवरी से चल रही है आपकी, 28 जनवरी से, और आपकी 14 फरवरी तक हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा यही की जा रही है कि, ठीक है, आपकी ये बहस पूरी हो जाए और जल्द से जल्द फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए, ठीक है। तो रिजल्ट फ्रेंड्स जल्दी आ जाएगा जैसे ही बहस पूरी होगी। तो 18 फरवरी को बोला गया है कि लास्ट बहस है, तो 18 फरवरी को देखते हैं क्या होता है। जो भी फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे। जहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड्स, आशा की जा रही है कट ऑफ आपकी कम होगी, ठीक है, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 40 से 45%, यानी कि जनरल की 45%, ओबीसी की और उनकी, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी 40%। तो आशा कर रहा हूँ फ्रेंड्स कट ऑफ यही रहेगी। फिर भी आपका कोई भी जुड़ा हुआ सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी मुहैया कराई जा सके। धन्यवाद दोस्तों। जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ, जनरल की आपकी 45% रहेगी, ठीक है, और आपकी ओबीसी की 40% अगर सही से चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोर्ट कट ऑफ मान नहीं करता है तो फिर कट ऑफ नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड्स कोर्ट को कट ऑफ कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और आप किसके पक्ष में फ्रेंड्स आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, हमें अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।